समीर वानखेड़े के बाद अब शाहरुख खान की बड़ी मुश्किलें। आरोपी बनाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, नार्को टेस्ट की भी मांग। ड्रग मामले से आर्यन खान की रिहाई के लिए रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को भी आरोपी बनाने का आदेश देने के लिए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। याचिकाकर्ता ने दाखिल याचिका में शाहरुख का नार्को ब्रेन मैपिंग लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता राशिद खान ने याचिका में दावा किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी। इसके अलावा अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है तो संबंधित आरोपी के लिए 5 साल के कारावास का प्रावधान है। सीबीआई द्वारा दायर मामले के अनुसार वानखेड़े ने स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के माध्यम से शाहरुख से रिश्वत के पैसे स्वीकार किए गए थे। सीबीआई ने ये भी आरोप लगाया है कि शाहरुख ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचित किए बिना रिश्वत दी थी। इसलिए कानून के मुताबिक वकील राशिद खान ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में शाहरुख को भी आरोपी बनाया जाए। वकील ने याचिका में शाहरुख का ब्रेन मैपिंग के साथ नार्को लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की है। सोशल मीडिया पर सीबीआई द्वारा दायर की गई याचिका पर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक शख्स ने ट्विटर पर इस मामले में पूछा, नौकरी पाने के लिए घूस, पढ़ाई के लिए घूस, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस, मृत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस, फिर ऐ पेशकश से इतनी नफरत क्यों? एक और ने लिखा, भूतपूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को भी रिश्वत देने की पेशकश हुई थी, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? एक ने लिखा, PIL दायर करने वाले पर कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर देता। यदि मैं जज होता तो, क्योंकि अपनी औलाद की रक्षा के लिए किसी बाप के हद की कोई सीमा नहीं। विद्या शंकर नाम के एक शख्स ने ट्वीट करके कहा, उसका बेटा है तो ऐसे ही छोड़ देगा क्या? PIL दायर करने वाला या तो किसी के इशारे पर किया है या संतान विहीन होगा। आपको बता दें कि आर्यन खान को वानखेड़े की टीम ने कोडेलिया क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए NCB की जांच पर उंगली उठाई थी। उसके बाद वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे। वानखेड़े द्वारा शाहरुख से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच के लिए NCB ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। इस कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर CBI ने रिश्वतखोरी के मामले में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।